वेलकम टू रिसर्च रॉक्स मैं संग्राम आप देख रहे हो रिसर्च रॉक्स तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिसर्च टॉक आज के रिसर्च टॉक में हम देखेंगे कि यदि आपका रिसर्च आर्टिकल रिजेक्ट हो जाता है किसी कॉन्फ्रेंस या जर्नल से तो उस रिसर्च आर्टिकल के रिजेक्शन को हम किस तरह से पॉजिटिव वे में लेकर उसे और अच्छे से इम्प्रूव करके फिर से उसी कॉन्फ्रेंस या किसी और कॉन्फ्रेंस में बहुत इजिली पब्लिश कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिसर्च टॉक सब्सक्राइब कीजिए रिसर्च रॉक्स चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट रिसर्च सबसे पहले देखने के लिए पेपर रिजेक्शन के नंबर ऑफ रीजंस होते हैं पहले तो आपको एक ईमेल आता है कि आपका रिसर्च आर्टिकल रिजेक्ट हो गया है ये 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 पॉइंट की वजह से तो उसी पॉइंट पे आपको पॉजिटिवली सोचकर उसी पॉइंट को बस इंप्रूव करना है आपको आने वाले नेक्स्ट टारगेट या नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस को या फिर नेक्स्ट ईयर उसी कॉन्फ्रेंस को तो डेफिनेटली आपका रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा अब यहाँ पर पॉइंट आते हैं कि जैसे कि मुझे एक साल में एक रिसर्च आर्टिकल या एक साल में नंबर ऑफ रिसर्च आर्टिकल चाहिए तो मैं किस तरह से वर्क करूंगा मैंने एंटर किया पीएचडी में बस रिसर्च आर्टिकल लिखता हूँ लिटरेचर सर्वे मोस्टली लिटरेचर सर्वे हर एक कॉन्फ्रेंस में इजीली एक्सेप्ट हो जाता है बट उसमें भी यदि आपको रिजेक्शन आता है तो क्या-क्या रिजेक्शन -क्या है उसमें उस पे फाइंड करना है नंबर ऑफ रिजेक्शन आपको आते हैं जैसे कि कुछ रिजेक्शन मैं बताता हूँ, आपकी मैंने रिसीव किए थे ड्यूरिंग माय रिसर्च पीरियड जैसे कि आपका राइट प्रॉपर नहीं है लॉट ऑफ उसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक्स है तो इस पे आपको सबसे पहले फोकस करना है यदि रिसर्च आर्टिकल आप कहीं सबमिट कर रहे हो इस बात पे ज्यादा फोकस करना है कि आप किस कॉन्फ्रेंस को या किस ऑर्गेनाइजेशन के जर्नल को टारगेट कर रहे हो डिपेंड अपॉन उनका स्टैंडर्ड लेवल हाई है तो हमारा हमारी राइटिंग स्किल भी उसी स्टैंडर्ड को मैच करने वाली हो तो इजिली हमारा रिसर्च आर्टिकल एक्सेप्ट हो जाता सेकंड पॉइंट आता है यदि किसी कॉन्फ्रेंस या जर्नल ने कोई टेम्पलेट दिया है आपको रिसर्च आर्टिकल का तो बेशक आप उसी टेम्पलेट को यूज करना है आपको आपका दिमाग लगा के किसी और टेम्पलेट में या मैंने बनाया है रिसर्च आर्टिकल तो मैं इसी टेम्पलेट में सबमिट करूंगा ऐसा नहीं होता उन्होंने जो टेम्पलेट दिया है उसी टेम्पलेट के अंदर आपको आपका रिसर्च आर्टिकल सबमिट करना है फिर बाद में कुछ रिजेक्शन के पॉइंट्स आते हैं कि जैसे एक्सपेरिमेंटल बराबर नहीं है आपका टेक्निक्स प्रॉपर यूज नहीं किया आपने तो इस पे ज्यादा फोकस करना है आपको देन राइट स्किल में आपको लिखना है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दो कॉन्फ्रेंस के एग्जांपल देता हूँ स्पीच प्रोसेसिंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग रिलेटेड इन दोनों कॉन्फ्रेंस मशीन लर्निंग की टॉप लेवल कॉन्फ्रेंस है नंबर वन इंटर स्पीच नंबर टू आई कैप्स ये दोनों कॉन्फ्रेंस साल में एक बार होती है और इनका टाइम स्लॉट भी चेंज होता है एक कॉन्फ्रेंस होती है सप्टेम्बर अक्टूबर में एक कॉन्फ्रेंस होती है मई अप्रिल में तो ये कॉन्फ्रेंस सबमिशन का भी टाइम होता है जैसे हम इंटर स्पीच को टारगेट करते इंटर तो स्पीच का डेड लाइन होता है फरवरी से मार्च के बीच में या फरवरी में में। और, uh, एंड में या मार्च एंड और आई कैप्स का डेडलाइन होता है जून एंड में या जुलाई मिड में तो यदि मैं इंटर स्पीच को टारगेट करता हूँ रिसर्च आर्टिकल सबमिट करता हूँ फरवरी में तो मुझे उसके एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के नोटिफिकेशन आते हैं अप्रैल एंड में और मैं उसके नोटिफिकेशन मुझे मिलते हैं दस से पंद्रह यदि मेरा पेपर रिजेक्ट हो गया है और अप्रैल एंड से लेके जून तक दो मंथ होते हैं मेरे पास उसी रिजेक्शन को इम्प्रूव करके आई कैप्स में सबमिट करने के लिए तो यदि मैंने दस रिजेक्शन पॉइंट मिले हैं या फिर किस बिना पर रिसर्च आर्टिकल मेरा रिजेक्ट हुआ है इंटर स्पीच में मैं उसी पॉइंट को इम्प्रूव करके आई कैप्स में सबमिट करता हूं और डेफिनेटली फ्रेंड यदि उसी पॉइंट को आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया प्रॉपरली जस्टिफाई करके सबमिट किया तो डेफिनेटली आपका एक रिसर्च आर्टिकल एक साल में टॉप लेवल की कॉन्फ्रेंस में बहुत इजीली एक्सेप्ट हो जाए बिकॉज ऑफ मुझे कुछ रिजेक्शन पॉइंट मिले थे इंटर स्पीच से मैंने उन उनपे वर्कआउट किया और सबमिट किया आई कैप आई कैप जैसे कि पहले मेरा रिसर्च आर्टिकल 70 परसेंट प्रॉपर था लेकिन 30 परसेंट रिजेक्शन पॉइंट से रिजेक्ट हो गया तो मैं वो 30% को इम्प्रूव करूंगा तो हो जाएगा 100% देन मैं आईकैप्स में सबमिट करूंगा और कॉन्सिक्वेंसेस में यदि आईकैप्स में भी वो रिजेक्ट हो जाता है मतलब आपका जस्टिफिकेशन प्रॉपर नहीं था तो डेफिनेटली आईकैप्स भी आपको कुछ पॉइंट देगा जिस पॉइंट पर आपको वर्क करना है और फिर आप उसी पेपर को इंटर स्पीच में सबमिट कर सकते हो और जब आप इंटर स्पीच में सबमिट करोगे तो डेफिनेटली इंटर कैन नॉट रिजेक्ट रिसर्च आर्टिकल बिकॉज ऑफ एक बार इंटर स्पीच और एक बार से होकर आप सेकंड टाइम में सबमिट कर रहे हो वो रिसर्च आर्टिकल तो डेफिनेटली वो रिजेक्ट नहीं होगा यदि आपका रिसर्च आर्टिकल रिजेक्ट हुआ है तो उसको आपको निगेटिव वे में नहीं लेना है उसमें से आपको सीखना है कि क्यों रिजेक्ट हुआ है वो रिजेक्शन के पॉइंट पे आपको अच्छे से वर्क करके आपका रिसर्च पेपर बनाना है है सबमिट करना डेफिनेटली आपको एक्सेप्टेंस ईमेल आएगा एक ही साल में यदि आपने एक रिसर्च आर्टिकल लिखा है तो डेफिनेटली आप रिसीव कर पाओगे उसी साल एक्सेप्टेंस और उसी साल रिजेक्ट दो पॉइंट भी आते हैं लेकिन आपको थिंक पॉजिटिवली सोचकर आपको रिसर्च आर्टिकल पे काम करना है तो so, ये तो था मेरा स्मॉल रिसर्च टॉक। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना मैं ऐसे ही रोजाना रिसर्च रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊंगा तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम